स्कूटर इशू चेंज इनटू पार्क मोड। अगर आपके भी स्कूटर में आ रहा है, चाहे वो जेन वन हो, जेन टू हो या एस वन एयर हो, मैक्सिमम केस एस वन एयर के साथ आ रहे हैं। जिनको नहीं पता वो कैसा होता है, ये वाला थोड़ा सा क्लिप से आप समझिए। स्कूटर इश्यू चेंज टू पार्क मोड। तो आप समझ गए होंगे इसके बाद स्कूटर बंद हो जाता है, बहुत केस में रीस्टार्ट करने के बाद भी चालू नहीं होता। और ये तब होता है जब आपकी स्कूटर कभी झटका मार दिया, घर पर खड़े खड़े भी जाते हैं। इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इसी कंडीशन में ये होगा, और ये किसी के भी साथ भी हो सकता है। अगर आपके साथ अभी तक नहीं हुआ तो बहुत लकी हो, अगर होता है तो आपको क्या करना है, कितना चार्जेस देना पड़ेगा और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि हार्ड रीसेट कर लो, स्कूटर रिबूट करा लो, ये किसी से भी ठीक नहीं होता। तो सेम चीज़ आ रही थी मेरे स्कूटर के साथ, और इंटरनेट पर मैं देखा तो कोई सॉल्यूशन उसमें बता नहीं देता। तो मैं सोचा मैं ये वीडियो प्रॉपर बना देता हूँ, तो मैं अपनी ओला को लेकर आ गया एक्सपीरियंस सेंटर। ये मेरे साथ 15 दिन से चल रहा था, स्कूटर चलती थी और ये सब बताता था। तो भैया ने इसके डिक्की खोली, डिक्की खोलने के बाद यहाँ से इसका मेन प्लेट खुलेगा और ये जो सांप जैसा वायर आप देख रहे हैं ये इसके अंदर लगने वाला है। और इसका मुझे कितना चार्जेस देना पड़ा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ओला के सर्विस में कितना खर्चा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। और साथ ही में ये कहाँ पे लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड का जो बैक पैनल है वहाँ पे 3-4 वायर दी रहती है। जेन वन में ऐसा वायर का सिस्टम अलग था, जेन टू में सिस्टम अलग कर दिया गया, बट ये एलएन केबल अभी भी लगता है कि ऐसा होता है। आप यहाँ पर ये चीज़ हमारे मोटर से कनेक्ट रहती है जो कि सॉफ्टवेयर आपको अपडेट करता है, जिसकी वजह से इशू आता रहता है। तो सेम चीज़ आपको जाके बदलवा लेनी है, जिसके बाद भी जेन वन हो और एस वन एयर के साथ भी सेम केस होगा। तो जो भी आपके एक्सपीरियंस सेंटर में अगर ये वायर अगर आपके एस वन एक्स में दिख रही है, एस वन एयर में सॉरी, तो आप उसको जाके चेंज करा लो या वहाँ जाके बताओ कि मुझे भी ये वाली वायर चेंज करनी, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस सेंटर वाले बचते हैं, रीसेट करके दे देते हैं, थोड़ा दिन चलता है उसके बाद नहीं होता। तो ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको एक रुपये देना नहीं पड़ेगा। गाड़ी आपकी वारंटी के बाहर होगी या साल भर पुरानी हो जाएगी तो आपको लेबर कॉस्ट भले ही देना पड़ सकता है, बाकी एक रुपये मुझे नहीं लगा इसका। बस मुझे ब्रेक शू का पैसा लगा था, जो कि इसका ब्रेक शू 750 करके आता है, तो वो थोड़ा कॉस्टली लगा, बाकी इसका मुझे एक भी रुपये नहीं देना पड़ा। ये आप जाइए एक्सपीरियंस सेंटर में अपना स्लॉट बुकिंग कराइए और जाके इसको बनवा लीजिए, पूरा इशू सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे इसको चलाते हुए हो चुका है एक हफ्ता, बनाने के बाद कोई भी इशू नहीं है, इसलिए मैं वीडियो सोचा कि एक हफ्ते बाद डालता हूँ। और इसका ब्रेक शू का कितना खर्चा है, ब्रेक शू इसके 5000 किलोमीटर के बाद वारंटी ख़त्म हो जाती है। एक ब्रेक शू का आपको लगता है 750 रुपये, तो मे भी आपका दोनों का लगेगा 750 1500 रुपये आपके दोनों ब्रेक शू का लगता है। और 5000 के बाद अगर ये ख़राब होता है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, अगर आपकी गाड़ी 5000 किलोमीटर क्रॉस कर गई होगी। मेरी कर गई थी, 9000 चल गई है तो मुझे पे करना पड़ा, बाकी आपकी 5000 के अंदर ख़राब होती है तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और इसका केबल का मुझे 1 रुपये नहीं देना पड़ा। उसके बाद स्कूटर हो गई पूरी तरीके से ठीक। जिनके पास भी ओला है उनको ये वाला वायर चेंज कराने की ज़रूरत है, तो जल्द से जल्द करा लो। ये भी आपका 4-5 हज़ार में डैमेज हो जाता है, ज़रूरी नहीं किसी का कम चले, किसी का 20 हज़ार में भी नहीं होता। तो इसको चेंज कराने के बाद आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। होप करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, बहुत लोग को इसके बारे में नहीं पता जिसका स्कूटर इशू बार बार आ रहा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चैनल को मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।